1869 में आज के दिन अमेरिकी खोजकर्ता थॉमस एडिसन ने अपने पहले आविष्कार पर एक पेटेंट के लिए आवेदन किया। इस इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल वोटों की गिनती के लिए किया गया था। 1881 में आज के दिन अमेरिकी आविष्कारक डेविड हेंडरसन हॉस्टन ने कैमरों के पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया। 1902 में आज के दिन लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। 1942 में आज के दिन हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। अमिताभ ने फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन कहा गया। बिग बी ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। 1968 में आज के दिन अमेरिका का पहला मानव युक्त मिशन अपोलो 7 के प्रक्षेपण का कक्षा से पहली बार टेलीविजन प्रसारण किया गया। 1984 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैथरीन डी सुलिवन अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वो अंतरिक्ष शटल चैलेंजर पर सवार थी। 1994 में आज के दिन अमेरिका में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में समलैंगिक विरोधी अधिकारों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 2001 में आज के दिन त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक विद्यासागर सूरज प्रसाद नायपॉल को वर्ष 2001 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई। 2005 में आज के दिन तीसरे अंतरिक्ष पर्यटक ग्रेगोरी ओल्सन पृथ्वी पर लौटे। 2007 में आज के दिन ब्रिटेन के उपन्यासकार डोरिस लेसिंग को वर्ष 2007 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। 2008 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर घाटी में चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया।